हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा लौकी लिए हैं, इसको हम छील लेंगे। इसका डंठल काट कर निकाल देंगे ऐसे। लौकी छील लिए हैं, दो भाग में इसको काट लिए हैं। अब इसको धो लेंगे अच्छे से। अब लौकी कद्दूकस कर लेंगे। सारे लौकी को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसका पानी निचोड़ेंगे। बर्तन ले लीजिए, उसमें एक सफ़ेद कपड़ा रख दीजिए ऐसे। फिर लौकी को इसमें डालेंगे। चारों तरफ से पकड़ के कपड़े को अच्छे से इसका पानी निचोड़ेंगे। बहुत आराम से इसका पानी निकल जाएगा ऐसे। लौकी का पूरा पानी इसी तरह निचोड़ लेंगे। देखिए सारा पानी लौकी का निकल गया है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, आगे इस्तेमाल करेंगे। इसका पानी निकल जाएगा तो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। इसको कटोरी में निकाल देंगे। इसमें आधा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। एक मिर्ची, हरा मिर्च कटा हुआ डाल देंगे। चार चम्मच बेसन, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च। अब इसको मिक्स करना है अच्छे से। अभी इसमें हम नमक नहीं डालेंगे वरना पानी छोड़ देगा। तलने के समय इसमें नमक डालेंगे हम। मिक्स हो गया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को मिक्स कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, मीडियम आंच में पकौड़ा तलना है। इस तरीके से गोला बना लेंगे ऐसे ऐसे तलेंगे मीडियम आंच में। तेज आंच पर नहीं तलना है। इसको हल्के हाथों से चलाना है। दोनों तरफ पलट पलट कर पकाना है अच्छे से। पकौड़े सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पकौड़े तल के निकाल लेंगे।
सारे पकोड़े तल गए हैं, अब तड़का लगाएंगे। 2 तेज पत्ता डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, अब 2 कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 2 मिनट प्याज को भून लिए हैं। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक मिनट तक अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुके हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। धीमे आंच में 30 सेकंड तक भूनेंगे। 30 सेकंड हो गया है, 1 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, 4 अनुसार नमक डाल देंगे। 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब मसाला डालेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 सा पानी डालकर भूनेंगे। 5 मिनट तक मीडियम आंच में भूनेंगे। 1/2 भून चुका है, मसाले से तेल बाहर आ गया है। लौकी का पानी जो निकाले थे वही मसाले में डाल देंगे। हम 1/2 और पानी डालेंगे। आप ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी। ढक कर 2 मिनट तक पकाएंगे। उबाल आ चुका है, इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मिनट तक और उबालेंगे। दो मिनट हो चुका है, अब लौकी के पकोड़े डाल देंगे। ढक कर 2 मिनट तक धीमा आंच में पका लेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब धनिया पत्ता डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लौकी का कोफ्ता बना हुआ है। आप भी इस विधि से एक बार ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करें कि कैसा बना है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।